दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बनेंगी मुख्यमंत्री? आखिरकार बीजेपी सांसद ने क्यों कहा कि अब केजरीवाल की पत्नी को संभालना चाहिए सीएम पद? क्या सचमुच केजरीवाल के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता संभालेंगी आम आदमी पार्टी? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली NCR में, मैं हूँ पूनम अधिकारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने जहाँ एक तरफ दिल्ली वालों को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी बढ़ते प्रदूषण के लिए आप यानी आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार बता रही है। वहीं बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने सीएम केजरीवाल से अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर दी है और साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनकी पत्नी को कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। क्या है ये पूरी खबर वो बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी अक्सर अपने विवाद बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए विवादित टिप्पणी दे दी है। विधूड़ी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, भले ही वो अपनी पत्नी को सीएम पद पर क्यों ना बैठा दे, जैसा कि लालू प्रसाद यादव कर चुके हैं। बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने सीएम केजरीवाल के ईडी ऑफिस नहीं जाने पर भी निशाना साधा। विधूड़ी ने कहा कि कानून से बड़ा कोई सीएम नहीं होता। सीएम केजरीवाल ईडी से बचने के लिए चुनाव का बहाना बना रहे हैं। केजरीवाल शराब घोटाले के मुखिया हैं। साथ ही विधूड़ी ने केजरीवाल द्वारा ईडी से किए गए सवालों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने कल ईडी ऑफिस द्वारा पूछताछ के लिए भेजे गए समन का जवाब देते हुए पूछताछ में जाने से इनकार कर दिया था। साथ ही ईडी के समन पर भी सवाल उठाए थे। इस बात को लेकर भी लगातार बीजेपी नेता सीएम केजरीवाल पर हमलावर है। सीएम केजरीवाल की पत्नी को सीएम बनाने की सलाह देने वाले बयान के बाद से बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी चर्चा में बने हुए हैं और ऐसे में बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर केजरीवाल आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो जाते हैं तो केजरीवाल को अपनी पत्नी सुनीता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अब भविष्य में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी अपने इस बयान की वजह से सुर्खियों में है। फिलहाल आज के हमारे वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी और अहम अहम खबरें हम आप तक यूं ही पहुँचाते रहें।